हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड भाई बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 3 इजी स्टेप आई मेकअप फॉर बिगनर्स एंड टीनेजर्स। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी प्रोसेस बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो चलो वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रशेस की, कि कौन कौन से ब्रशेस ज़रूरी होते हैं। मैं आपको 3 से 4 ऐसे ब्रशेज बताऊँगी जो कि आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ब्रशेज हो, बस 3 से 4 ब्रशेज आप रख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक ब्लेंडिंग ब्रश ज़रूर होना चाहिए जो कि थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है, इसको फ्लफ़ी ब्रश कहते हैं। थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश भी कहते हैं, फ्लफ़ी ब्रश भी कहते हैं, जो कि हम कोई भी आई शेडो लगाते हैं उसको ब्लेंड करने में हेल्प करता है। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कोई कलर अपने आई पे अप्लाई करते हैं तो वो ओवर ना लगे और अलग से लगा हुआ ना दिखे, इसलिए हमें बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हमें एक ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत होती है। तो ये आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। सेकंड ब्रश है फ्लैट ब्रश, ये देखो ये मेरे पास फ्लैट ब्रश है। ये आप लोगों का जैसे शिमरी आई शेडोज हो गया, ये सब यहाँ पर पैड करने के लिए ज़रूरी होता है, अच्छा होता है और इससे बहुत ही अच्छा कलर लगता है। शिमरी जो शेड होते हैं अच्छे से लग जाते हैं। और अगेन ये आप लोगों को कट क्रीज बनाने में भी हेल्प करता है। कंसीलर से जब हम लोग कट क्रीज बनाते हैं यहाँ से, तो ये कट क्रीज बनाने में भी हेल्प करता है। तो अगेन ये ब्रश भी आप लोगों के पास होना चाहिए। थर्ड ब्रश है स्मजर ब्रश, ये थोड़ा सा छोटू सा है स्मजर ब्रश। ये जब आप कोई यहाँ पे आई शेडोज लगाते हैं उसको स्मज करने में हेल्प करता है। और ये आपको कट क्रीज भी आप इसे अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, ओवर नहीं लगेगा जब आप इसे क्रिएट करोगे तो बिल्कुल सही जगह पे प्लेस होगा ये इससे आई शेडो। थर्ड है ये छोटू सा ब्रश आई शेडो ब्रश, इसे आप कोई सा भी आई शेडो यहाँ पे कट क्रीज के पास लगा सकते हो या कट क्रीज के ऊपर लगा सकते हो, इससे अच्छा कट क्रीज भी क्रिएट हो सकता है। तो ये 3 से 4 ब्रशेज आप लोगों के पास होने ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन सा आई शेडो कहाँ प्लेस करना चाहिए और इनके नेम्स क्या हैं। तो मैं आप लोगों को इनके नेम एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। तो ये जो हम आगे ऐसे खोलते हैं और बंद करते हैं, जब ऐसे खोलते हैं ये जो लाइन क्रिएट हो रही है ना, इसे हम कहते हैं कट क्रीज लाइन। और ये जो कट क्रीज के ऊपर वाला लाइन है ना, इसे हम कहते हैं कट क्रीज के अपर वाला लाइन। और इसको हम बोलते हैं जहाँ पर हम हाईलाइटर लगाते हैं, इसको बोलते हैं ब्राउ बोन्स। दैन ये कट क्रीज से यहाँ और ऐसे जो बन रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं आउटर वी। और जो अंदर की साइड ऐसे बन रहा है इसको हम बोलते हैं इनर वी। और जो ये सारा बच गया इसको हम बोलते हैं आईलेट। और ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं लोअर लैश लाइन। तो सबसे पहले आई मेकअप में क्या करना होता है, कोई भी आई प्राइमर आई बेस, अच्छा आई बेस आई प्राइमर या कंसीलर लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर कंसीलर लगाऊंगी इस ब्रश से। कंसीलर आप अपने आईज पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं अपने फिंगर से ब्लेंड करूंगी। अगर आप लोगों के पास स्मजर ब्रश नहीं है तो फिंगर से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। जो मेरा ये दिख रहा था ना रेड रेड, ये काला काला से दिख रहा था, इसको कवर कर देगा और जो आपका आई मेकअप है वो अच्छे से निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो डिफरेंस। थोड़ा सा हम लोअर लैश लाइन पे भी लगा देंगे। सो पहले मैंने कंसीलर लगा लिया है, अब इसको मैं एक बार सेट करूंगी। सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये क्रीज पड़ जाते हैं और जो आपका आई मेकअप है ओवर लगने लगता है। तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी इसको, हल्का हल्का, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ और कट क्रीज पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसा कलर यूज़ करना चाहिए। ये वाले जो हल्के हल्के शेड हैं, ये वाले ये आपको आप कट क्रीज पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। और जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको ऐसे करके टैप करके निकाल देंगे ताकि एक बार में ज़्यादा ना लगे, जितना चाहिए उतना लगे।
तो ये देखिए ये मेरा कट क्रीज है, यहाँ पे मैं ब्रश रख रही हूँ और ऐसे करके ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कट क्रीज में लगा है, बिल्कुल कलर अच्छे से आ गया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे डार्क कलर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर, और कट क्रीज के थोड़ा सा नीचे वाली जगह पे लगाएंगे, यहाँ पर ये वाली आईलेट पर नहीं लगाना है, ये वाली जगह पर कट क्रीज पर ही रखेंगे इसको, और ऐसे करके थोड़ी सी नीचे वाली जगह पर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अब आप कोई भी यहाँ पे शेड लगा सकते हो, अपने मनपसंद का कोई डार्क शेड या सिर्फ शिमरी शेड लगा के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शिमरी शेड लगाने वाली हूँ, तो मैं ये वाला शिमरी शेड लगा रही हूँ। और एकदम इनर व्यू वाले इस जगह पे नहीं करना है, क्योंकि ना ये ऊपर लग जाता है थोड़ा सा, तो यहीं पे लगाएं। ब्रश के हेल्प से जब आप ब्लेंड करोगे तो प्रॉपर लग जाएगा वहाँ पे। सो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। इसको मैं एक बार ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और ओवर ना लगे। थोड़ा सा अजीब अलग अलग दिख रहा था ये, तो इसको ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्रश ब्लेंड कर देंगे, तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम लगाएंगे लोअर लैश लाइन में। तो लोअर लैश लाइन के लिए छोटू सा ब्रश यूज़ करूँ जो आगे से बिल्कुल पतला है, और जो शेड मैंने फर्स्ट में और सेकंड में लगाए थे इन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी। ऊपर की साइड देख के लगाओगे तो अच्छे से लग जाएगा। तो आप देख सकते हो अच्छे से लग गया है ये। इसी ब्रश की हेल्प से हम अपने ब्राउ बोन में और अपने इनर वी पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसी पैलेट से मैं सारा मेकअप कर लेती हूँ अपना आई मेकअप। तो ऐसे करके ठीक है, इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। तो अब मैं आईलाइनर थोड़ा सा हल्का हल्का आईलाइनर लगा लूँगी। देख सकते हो आप,